सर, इसराइल के अलग अलग इलाकों में राहत और बचाव का काम करने वाली टीम ने हमले के दौरान क्षतिग्रस्त हुई कारों की तलाश की। इस काम में वहां की फोरेंसिक टीम भी शामिल हुई, जिन्होंने ऐसी कारों को ढूंढा जो इसराइल पर 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमलों में पूरी तरह से तबाह हो गई थी। बताया गया कि जली हुई कारों की पहचान कर उनके मालिकों का पता लगाया जाएगा, जो 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने के लिए वहां अपनी कार लेकर आए थे। क्योंकि दावा है कि कई लोगों के शवों की पहचान नहीं हो पाई, इसीलिए राहत और बचाव का काम करने वाली टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। बताया जा रहा है कि यहूदी परंपरा के मुताबिक शवों को दफनाने के लिए शव का पूरा हिस्सा मिलना जरूरी है, इसीलिए टीम वहां हमलों में मारे गए लोगों के शवों के दूसरे हिस्सों की भी तलाश कर रही है। गाजा में हमास को खत्म करने के लिए इसराइल की सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। आसमान से लेकर जमीन तक हमले किए जा रहे हैं। हमास के आतंकियों और उनके आकाओं को चुन चुनकर ढेर किया जा रहा है। इसराइल के ताबड़तोड़ एक्शन से हमास के आतंकियों में हड़कंप मचा हुआ है। गाजा बॉर्डर पर IDF के टैंक अपने सटीक निशाने से हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, तो वहीं वेस्ट बैंक के अंदर भी इजरायली सेना हमास के आतंकियों में हाहाकार मचा हुआ है। गाजा के हनून इलाके में इजरायल की सेना ने रेड किया और हमास के अत्याधुनिक हथियार गोला बारूद जब्त कर लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में बड़े विपक्षी नेता मौलाना फजल उर रहमान ने कतर में आतंकी संगठन हमास के चीफ इस्माइल हनिया से मुलाकात की है, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही फजल उर रहमान ने इसराइल के खिलाफ युद्ध में हमास का साथ देने का ऐलान किया था। फजल उर रहमान की पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक और राजनीतिक पार्टी है। तो गाजा पर इसराइल के हमले लगातार जारी है। हमास के ठिकानों पर आसमान से आफत बरस रही है, लेकिन गाजा के अल कदर अस्पताल में खतरा मंडरा रहा है। और ये तस्वीर आपको अंदर से हिला देगी। गाजा अल कद्स अस्पताल में अफरा तफरी मची है। अल कद्स अस्पताल के आसपास की इमारतों को इसराइल के हवाई हमले से बहुत नुकसान पहुंचा। इमारतें तबाह हो गई और अल कद्स अस्पताल के अंदर घायलों की लंबी लंबी कतारें लग गई। अस्पताल के अंदर की अफरा तफरी बता रहे कि लोगों में कितनी बेचैनी है। लोग अस्पताल की खिड़की से इसराइल के हवाई हमलों को देखते हुए नजर आए। इस मंजर को जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। हिजबुल्ला के आतंकी लगातार इसराइल की सेना को निशाना बना रहे हैं। लेबनान सीमा से इसराइल की सीमा पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं और इस हमले में इसराइल का एक सैन्य वाहन तबाह हो गया। हिजबुल्ला के इस हमले में कई लोगों की मौत की भी खबर है और कई घायल बताए जा रहे हैं। इसराइल की सेना ने भी पुष्टि की है कि लेबनान से एंटी टैंक मिसाइलें दागी है। हिजबुल्ला पहले ही इसराइल को खत्म करने के लिए हमले की शुरुआत कर चुका है। इसराइल की एंटी डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने एक ड्रोन को पकड़ा। इसराइल के खिलाफ लेबनान से हिजबुल्ला के युद्ध में कूदने की आशंका जताई जा रही है। इसराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपनी सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर दिया। अमेरिकी सेना ने इसकी जानकारी दी है। ओआईओ क्लास की ये न्यूक्लियर सबमरीन बिना रुके कई महीनों तक पानी में गश्त कर सकती है और इस पनडुब्बी पर बैलिस्टिक और क्रूज जैसी खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं, जिनके जरिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। और इस परमाणु पनडुब्बी को पश्चिमी एशिया में तैनात करके अमेरिका हमास के खिलाफ युद्ध में इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े होने का संदेश देना चाहता है।